दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी वीडियोस पर शार्प इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो काइनमास्टर एप्लीकेशन के यूज़ करके। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है, काइनमास्टर एप्लीकेशन का प्रो वर्जन नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा काइनमास्टर एप्लीकेशन का प्रो वर्जन। तो दोस्तों आप चाहो तो काइनमास्टर एप्लीकेशन का प्रो वर्जन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि जो वर्जन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं हर वक्त दोस्तों उसी का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ ताकि दोस्तों जो व्यूअर मेरी वीडियो देख रही है उसको डाउनलोड करने में आसानी हो और उसको मेरी हर चीज़ समझ में आ जाए। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को सीधा इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद सीधा एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सीधा प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा 16:9 को चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा मीडिया वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी मेमोरी के सारे फोल्डर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिस फोल्डर से आपको अपने वीडियोस को इंपोर्ट करना है। सिंपली उसी फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके फोल्डर की जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ आपके सामने नज़र आ जाएगा। जिस भी वीडियो पर दोस्तों आपको शार्प इफेक्ट अप्लाई करना है उसी वीडियो को सिंपली क्लिक कीजिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से जैसे कि देख सकते हो मैं एक वीडियो को इंपोर्ट कर लियो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टाइमलाइन पर वीडियो आ चुका है। अब हमें इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, शार्पन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली क्लिक करना है लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर नाम का। तो दोस्तों सीधा आपको गेट मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आप सीधा पहुंच जाओगे काइनमास्टर के एस एस स्टोर के अंदर, जो कि काइनमास्टर का ऑफिशियल एस एस स्टोर होता है। आप वहां पर पहुंच जाओगे। यहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों यहां पर आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों यहां पर स्क्रॉल डाउन करने में आपको जैसे कि देख सकते हो इस साइड राइट साइड पर आपको एक इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है दोस्तों शार्पन। आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसका नाम देख सकते हो, शार्पन नाम का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली शार्पन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप शार्पन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस कॉर्नर पर डाउनलोड के ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया तो मेरे यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लियो। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस क्रॉस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इस कॉर्नर पर क्रॉस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा दोस्तों आप इफेक्ट पर आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है कि कहाँ पर शार्पन इफेक्ट डाउनलोड होकर आ चुका है। तो मेरी यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है शार्पन नाम का। तो आपको सिंपली क्या करना है, शार्पन के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको सीधा शार्पन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो हमारा वीडियो पर शार्प इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों हमें इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, इस कोने को पकड़ के दोस्तों इसको आपको पूरी तरीके से अपनी पूरी स्क्रीन पर इसे फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है, जहाँ तक आपका वीडियो एंड हुआ है इसका ड्यूरेशन वहाँ तक लेके जाइए। उसके बाद इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और अभी आप मेरे वीडियोस को देखते हो, अभी दोस्तों आप वीडियोस को देखते हो तो आपको उतना अच्छा वीडियो देखने में नहीं लग रहा, आपको वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रही है और एक अजीब टाइप का यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें परफेक्टली शार्प इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली शार्प इफेक्ट जो लेयर है नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर दो नंबर पे अल्फा ओपासिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको अल्फा ओपासिटी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप अल्फा ओपासिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस साइड में जैसे कि देख सकते हो जो शार्पन इफेक्ट है उसका जो दोस्तों ओपासिटी है आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों इसका ओपासिटी आप कम करके यहाँ पर 25 रख लीजिएगा। 25 दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेटली होगा आपकी वीडियो के मुताबिक से, मेरे हिसाब से दोस्तों। एंड देन दोस्तों आपको इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे वीडियो पर कितनी अच्छी तरीके से शार्पन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है और हमारा वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये शार्प इफेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको सिंपली शार्पन इफेक्ट की लेयर के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और सेटिंग के ऊपर दोस्तों क्लिक करके आप दोस्तों इसको थोड़ा बहुत और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि स्मूथनेस, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर सर्कल और रिएक्ट शेप। तो आपको आप चाहो तो इन्हें भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद डन के ऑप्शन पर सीधा क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको और कुछ एडिट करना है तो कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे सिर्फ शार्पन इफेक्ट को अप्लाई करना था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोस्तों हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों हमारे वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली इस कॉर्नर पर एक एरो का आइकन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सिंपली आपको एरो के आइकन के ऊपर क्लिक करना है
उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड देन दोस्तों इसका जो रेजोल्यूशन है दोस्तों इसको FHD 1080p में पी रखिएगा इसका रेजोल्यूशन। और इसका जो दोस्तों फ्रेम रेट है यानी बिटरेट जो दोस्तों उसे आप 30 FPS तक रखिएगा। अगर आप 30 FPS रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलेगा मेरे हिसाब से, अदरवाइज आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड उसके बाद फाइनली दोस्तों एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।